बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। पहले हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यूज लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लेती हूँ y इज इक्वल टू 1, y को मैं 1 लेती हूँ, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y को अगर मैं 2 लेती हूँ तो x हमारे पास हो जाएगा 2। y की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ तो x मेरे पास हो जाएगा 1, और y की वैल्यू अगर मैं 4 लेती हूँ तो x मेरे पास हो जाएगा 0। फर्स्ट टेबल हमारे पास बन गया फॉर दिस इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल आपने रखना है, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से आपने लेनी है, और इनमें से किसी भी वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो तो आपके पास दूसरी वेरिएबल का वैल्यू खुद ब खुद आती रहेगी। अब सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। इसमें आप देखिए, ये माइनस वन यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं साइन के, और इसको हम प्लस में चेंज कर देते हैं, 5y प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास x के साथ रह गया 2, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम साइन के इस तरफ ले जाते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू 5y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें मुख्तलिफ वैल्यूज ढूंढनी है और टेबल में लगानी है। फर्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी, 5 1 प्लस 1 अपॉन 2। 5 1 5 प्लस 1 विल गिव अस 6 अपॉन 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 3। कैंसिलेशन होगी और हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो अगर मैं y लेती हूँ 1 तो x मेरे पास आ जाएगा 3। अब अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ माइनस 1 तो y की वैल्यू मेरे पास, y की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ माइनस 1 तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 1 5 माइनस 5 होगा, माइनस 5 प्लस 1 विल गिव अस माइनस 4, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। सो अगर मैंने x की वैल्यू, y की वैल्यू ली माइनस 1 तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू कोई और लेती हूँ, y की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 3। अब देखिए, मैं ऐसी वैल्यूज ले रही हूँ कि मेरे पास ऊपर जो न्यूमिरेटर है वो मैं चाह रही हूँ कि वो इवन नंबर्स में आए, ताकि मैं 2 से कैंसिल करूँ और मेरे पास कोई सिंपल सा नंबर आ जाए। अब मैंने 3 लिया, 3 इंटू 5 विल गिव अस 15, और उसमें जब मैं 1 ऐड करूंगी मेरे पास आ जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। नाउ जब मैंने x, y की वैल्यू ली 3 तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते जाएंगे। आप जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करेंगे आपके पास एक x की वैल्यू आती जाएगी। जब आपके पास दोनों टेबल्स मिल गए तब आपने प्लॉट करना है ग्राफ। अब ये देखिए, हमारे पास दोनों टेबल आ गए। ये हमारे पास फर्स्ट टेबल था जिसमें हमने x प्लस y की वैल्यू ली, और यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y दूसरी इक्वेशन की वैल्यू थी। हमने अब प्लॉट करना है ग्राफ। ग्राफ लिया हमने, इसके हम लोग एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सेस। पहला पॉइंट हमारे पास कहाँ ड्रॉ होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 1। देन एक्स इज इक्वल टू 2 ये पोजीशन, और वाई इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, एक्स 1 और वाई 3। देन एक्स 0 एंड वाई 4, ये हमारे पास बन गए 4 पॉइंट्स। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 3, थर्ड पोजिशन हमारे पास x की कौन सी हो गई, ये वाली, और y इज इक्वल टू 1, तो ये वाली पोजिशन आप देखिए, जहां पर हमारे पास पहला डॉट था, दूसरी इक्वेशन का भी डॉट पहला यहीं पर लगा।
सेकेंड डॉट हमारे पास कहाँ पर लगेगा, x इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस x की वैल्यूज कहाँ पर होती है, इस क्वाड्रेंट में, माइनस टू ये रहा हमारे पास, ये वन था ये टू, एंड y इज इक्वल टू माइनस वन, ये देखिए नीचे यहाँ पर माइनस y की वैल्यूज आती है, सो टू एंड माइनस वन हमारे पास कौन सा स्पॉट बना, यहाँ पर सेकेंड डॉट हमारे पास लगेगा इस स्पॉट पे। इसी तरह से एट, x इज इक्वल टू एट एंड y इज इक्वल टू थ्री, हमारे पास तीसरा डॉट लग जाएगा, x इज इक्वल टू सेवन एंड y इज इक्वल टू माइनस थ्री, सारे डॉट्स लग गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लाइन हमने इनको ज्वाइन किया और सेकेंड लाइन से हमने इनको ज्वाइन किया। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस हमारे पास कोइंसाइड कर रही होती हैं, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। यहाँ पर आप देखिए कौन सा पॉइंट था जहाँ पर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही थी, दैट वाज x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू वन। सो इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या है, थ्री एंड वन, वेयर x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू वन, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब बाज ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपको टेबल्स में सॉल्यूशन सेट नहीं मिलता, लेकिन जब आप ग्राफिकली उसको सॉल्व करोगे तो ग्राफ में आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे आपको इसका सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। एक ऐसी एग्जांपल करके देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इक्वेशंस हैं y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन। इन इक्वेशंस को हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, इसको हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखिए x की वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, y हमारे पास ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि हमारे पास y की वैल्यू आएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू वन, सो थ्री वन जर थ्री, वन में से हमने फाइव माइनस किया, तो थ्री में से हमने फाइव माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। एक्स की वैल्यू जब मैंने वन दी तो वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस टू। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू लेती हूँ टू, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वन। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ माइनस वन, तो y की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस एट के। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ जीरो, तो y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस फाइव। इन सब वैल्यूज को अब मैं प्लॉट कर दूंगी इस टेबल में। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पहले हमने x को जीरो एज्यूम किया, फिर हमने x को वन एज्यूम किया, फिर x को टू एज्यूम किया और हमने थ्री एज्यूम किया, तो हमारे पास y की वैल्यूज आती रही। सिमिलर प्रोसीजर हम करेंगे फॉर आर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन। यहाँ पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन को सेट करेंगे, हमारे पास हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 11 माइनस x। अब आप आराम से x की देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन है, आप x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 11 माइनस जीरो, अगर हम x को जीरो लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 11। इसी तरह अगर हम x को वन लेते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस वन इज इक्वल टू 10। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 9। x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 8 एंड सो ऑन। हम इन सब वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं इस टेबल में। जब हमने ये सारी वैल्यूज टेबल में प्लॉट कर दी तो हम इनका बनाते हैं अब ग्राफ। दोनों वैल्यूज आप देखिए हमने टेबल प्लॉट कर दिए इनके, अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर लें, आप इनके एक्सेस ड्रॉ करें, के बाद आप प्लॉट करना शुरू करें। पहला पॉइंट हमारे पास कहाँ आएगा, एक्स हमारे पास जीरो एंड वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो नेगेटिव वाई हमारे पास कहाँ होता है, इस जगह पे लाइन से नीचे। माइनस फाइव हमारे पास कहाँ पर आएगा, ये पोजीशन हमारे पास होगी माइनस फाइव की पोजीशन। पहला पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे अपना, देन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। x1 हमारे पास कौन सी पोजीशन है, क्योंकि हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं एक बिग बॉक्स को इक्वल टू 1, तो x हमारे पास 1x हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा और माइनस टू, देखिए 1 एंड 2 माइनस टू हमारे पास कौन सी पोजीशन आ जाएगी y की, ये वाली। यहाँ पर हम अपना दूसरा डॉट लगाते हैं, देन वी हैव x इज इक्वल टू 2, अब देखिए पॉजिटिव x है यहाँ पर आएगा और y इज इक्वल टू 1, y भी पॉजिटिव है तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, x 3 और y 4, चौथा पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं।
इक्वेशन की दूसरी वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 10। अब x हमारे पास 1 कहाँ पर है ये देखिए ये, और y हमारे पास 10 कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास y 10। यहाँ पर हम अपना दूसरा पॉइंट लगाते हैं। देन वी हैव x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9। देन वी हैव x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8। पॉइंट्स लग गए हमारे पास। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं बाय लेंथ। पहली वाली इक्वेशन को हमने ज्वाइन किया तमाम पॉइंट्स को, और सेकेंड वाले के हमने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इस पॉइंट पे दोनों लाइंस जो है ये कोइंसाइड कर रही हैं। अब हमें देखना है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है। देखिए आ रहा है ये 7, और x एक्सिस पे ये हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, x एक्सिस पे ये हमारे पास आ रहा है 4 नंबर पर। तो यहाँ से हमें मिल रहा है इसका सोल्यूशन सेट फ्रॉम द ग्राफ। 7 एंड 4 हमारे पास यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट बन गया। सो वी कैन राइट सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 फॉर x एक्सिस एंड 7 फॉर y एक्सिस। ये वाला सोल्यूशन सेट हमें मिला है थ्रू द ग्राफ। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस में लिख के कि क्या ये वैल्यूज हमारे पास वाकई ठीक हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इनको अपनी इक्वेशंस में पुट करके, यहाँ पर अब हम वो वैल्यूज लगा के देखते हैं जो हमने ग्राफ से निकाली थी। वहां पर हमारे पास x की वैल्यू निकली थी 4। हम अगर प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास 4 के लिए y की वैल्यू 7 निकलती है या नहीं। यहाँ पर 3 × 4 = 12 में से जब हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7। सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस वन। जो हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था वो हमारे पास सही निकल रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 11 माइनस x। यहाँ पर y इज इक्वल टू 11 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 तो हमारे पास क्या रिमाइंडर रहता है, दैट इज 7। सो बोथ द इक्वेशन आर ट्रू फॉर द सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7। और ये वाला सोल्यूशन सेट हमें मिला है थ्रू द ग्राफ। ग्राफ से सोल्यूशन सेट हासिल करने के लिए आपने क्या किया, आपने दोनों लाइंस को ड्रॉ किया, और जिस पोजीशन पे दोनों लाइन ने कोइंसाइड किया वो हमारा सोल्यूशन सेट था थ्रू द ग्राफ। ऐसे हमने ग्राफिकली इसको फाइंड आउट किया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।